असलम गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिलबर्ट में ये एक सबब है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर uh, आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे, तो तीन दिनों से ना मैं एक चीज़ uh, हिलबर्ट के अंदर ना नोटिस कर रहा था और मैंने फिर वो अपने दोस्त से कंफर्म की कि वो क्या चीज़ है यहाँ पे डिफरेंट घर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी हैं इधर भी हैं ये सारा रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं उसके अलावा ना यहाँ पे ना मैं घरों के बाहर देख रहा हूँ कि ना अच्छा खासा ना सामान निकाल के साइड पर रखा हुआ है उन्होंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस लेन के अंदर लोगों ने ना फर्नीचर है उनके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं डिफरेंट चीज़ें बाहर निकाल के ना रखी हुई हैं तो ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि इसको ना करबिंग कहते हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में ना आ, मैंने आ, वैसे यूरोप में या कहीं और जितने मुल्क भी मैं साउथ ईस्ट एशिया में यूरोप में आ, डिफरेंटली घूमा घूमाऊँ लेकिन ये चीज़ कर्बिंग जो है ना मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखी है तो ये, ये क्या करते हैं जी इनके जो यूज़लेस चीज़ें हैं सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं फर्नीचर हैं जो भी चीज़ें इनके यूज़लेस हैं वो सारी बाहर रख देते हैं और यहाँ की जो लोकल म्यूनसपलिटी है वो एक डेट अनाउंस करती है कि इस डेट को हम लोगों ने कर्बिंग करनी है तो आप हम चीज़ें बाहर निकाल के रखते हैं अब ये आपको दिखाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं अब म्यूनसपैलिटी आएगी एक डेट के ऊपर वो सारी चीज़ें उठाएगी और यहाँ से चली जाएगी अब वो आगे इसको रिसाइकल करेंगे इसको ठीक करके सेल करेंगे या जो भी कबाड़ का इसका यूज़ होगा वो अभी मुझे कंफर्म नहीं है मैं पूछूँगा कोई ना कोई तो यूज़ होता होगा लेकिन ये एक आ, इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी तो मैंने कहा लोगों के साथ भी शेयर करूँ